हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। में तो गाइस, इस गेम प्ले वीडियो में मैंने करे हैं 3 clutch 2 1v1 और एक ऐसी चीज़ करी है ना, जैसे आप कहोगे साला हैक लगा के खेलता है, इतना तगड़ा वो सीन हुआ है। तो गाइस, ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फुल फन एंड फुल बूम बॉम के साथ वीडियो को चालू करते हैं। और गाइस, पहले हम लैंड होते हैं पोचिंकी में, और पोचिंकी में उतरते क्या हो जाती है हमारी गन फाइट, और गन फाइट में मुझे क्या मिलेगी, आप देखो क्या मिलेगी मुझे गन फाइट में। चलो शुरू करते हैं। ये लो साला, उतरते ही हो गई मेरी गन फाइट। और गन फाइट में उतरते भाई सबको मिलेगी भाई एक ये मैं M4 फलाना ठिमकाना। मुझे क्या मिलेगी भाई, गरीबों वाली पिस्टल भाई, 9 MO वाली भी नहीं, 7 वाली भी नहीं, 45 MM वाली भाई। इधर देखो, उजी उजी सब मिल गया सालों को। मेरे को क्या पिस्टल, फिर भाई मुझे से गरीब को मेरे टीममेट ने देखा और कहा लो भाई ले, मैं ऐसे ले ले आजा गन वन ले लो। तो भाई देख रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे टीममेट होना जरूरी है कि देखो स्कारल दे दी, UMP थी पर स्कारल दी है। अब चलो देख, बूम बम करते हैं, स्कारल मिल चुकी है, अब बंदों को पकड़ के फोड़ते हैं। और यहाँ मेरी फट गई, बंदे ने कहते डायरेक्ट मत जाइयो। ये देखो हैकर और वॉट, दीवार के हर पर मार दिया, और क्या चाहिए। और जल्दी से मैं भाई फुट साउंड सुनी बॉट की, बॉट की सुगंध तुम्हारे भाई को 12 किलोमीटर दूर से आ जाती है, तो मैंने सुना और उसके मारा आया। और भाई बॉट मारना है, AKM भी मिल गई, लूट भी हो गई, AKM भी मिल गई, किल भी मिल गया। और फिर यहाँ रुके नहीं हम, सीधा घुसते गए, घुसते इसलिए गए क्योंकि भाई किल ही किल होने वाले हैं पोचिंकी में। अभी ये फर्स्ट फेज है, फेज जो भी कहते हैं वो है, फिर सेकेंड में भाई और बूम बम, सारी फाइट पोचिंकी में ही होने वाली है, सारी की सारी मेन फाइट, जिसमें आप कहोगे भाई ये क्या लॉबी थी, सारे बंदों को पोचिंकी उतरना था, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे ये सीन हुआ ना, जब ये फाइट होगी, ये फाइट में मैं गोल गोल घूमता रह गया भाई, भूल भुलैया में बंदे ढूंढ रहा हूँ मैं मारने के लिए, बंदे हैं पर मैं ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए, मिल ही नहीं रहे हैं। देखो अब मैं फिनिश भी करूंगा अपने बंदों के मरे हुए, अभी भी देखो एक बंदा दिखा, एंगल निकालने गया, एंगल निकला नहीं, लो उतने में किल चला गया, देख रहे हो यही सीन है। मैं इस वाले फाइट में, जो भी ये फाइट चल रही है, इसमें सिर्फ किल फिनिश दिलाने के लिए बैठा था अपने टीममेट्स को, समझ रहे हो। फिर एक बंदा दूर से दिखा मुझे, फिर मैंने सोचा इस पर अकेले जाता हूँ, नहीं फिर मैंने सोचा नहीं टीममेट को लेके जाऊंगा, फिर इसको फिनिश दे जाऊँ पहले, क्योंकि फुटस्टेप दे रहा था, ऐसा लग रहा था एक और बंदा पास में, दो है, ये निकला घर से बाहर। फिर मेरे माइंड में आया भाई किल जरूरी है, केडी चाहिए, केडी चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं घुस गया। और रिस्क के चक्कर में अभी मैं मर जाता, अगर एक गलती से भी नॉक कर देता, फिनिश देता सीधे ये। तो भाई रिस्क लो, पर देख के कि बैकअप है कि नहीं, नहीं तो रिस्क मत लो किल के चक्कर में, समझ रहे हो ना, मजा आया ना। रिस्क लो पर देख के लो, हेड हो जाओ। Mark the location. क्या बताऊं मैं, मुझे लगा मैं स्कोपिंग करके उसको मार दूंगा, पर नहीं, मेरा स्कोपिंग जब तक AKM का हुआ तब तक वो बंदा मेरे को बूम बम दे चुका था। फिर यहाँ पे हमारी फाइट क्लियर हुई, हम यहाँ से जाने की सोच रहे थे, अपार्टमेंट जाएंगे, घूमेंगे घूमेंगे थोड़ा, पर नहीं गाड़ी जा रही है UVZ भाई, गाड़ी आ रही, होगी फाइट कहाँ, स्क्वाड हाउस में, क्या करें, जल्दी से लूटे या स्क्वाड हाउस भागे। तो हमने सोचा स्क्वाड हाउस भागते हैं, पर स्क्वाड हाउस आते आते मेरे दो प्लेयर खत्म। और यहाँ पे एक बंदा था या बॉट था कुछ पक्का नहीं, बंदा ही था, ऐसे भाग रहा जैसे कि बारात में आया हो, मर गया। और ये मेरा टीममेट का देखो किल चोरी भाई, उतनी देर से मार रहा है हेड, भाई मारो ना खत्म करो, पर नहीं। फिर मैं सोचा यार यहाँ जाके लूट लेता हूँ, डायरेक्ट किल हुआ है, सारे बंदे क्लियर हो गए पोचिंकी के, आराम से जा रहा था। फिर यहाँ पे आई मेरे को थोड़ी सी फुटस्टेप, मुझे लगा बॉट है, बॉट है छोड़ो। अंदर पहुंचा, ये बॉट तो बुटवा नहीं रहे, तो किल निकालने के लिए बैठा था। फिर मैंने चला बोला पोचिंकी क्लियर हो गई, अब गाड़ी वाड़ी उठाते हैं, चलते हैं सीधा अपार्टमेंट, मेन जगह जहाँ फाइट होगी, जोन में था, कोने में पास में था, तो मैं अपार्टमेंट के लिए निकले। तो ये देखो
हाय हेलो करते हुए जा रहा है। मुझे लगा भाई वो चार बंदे मेरे पीछे पीछे आएंगे, तो मैं स्क्वाड हाउस के पास आया पर नहीं आए पीछे देखा तो। फिर मैंने बोला पलटा गाड़ी, असला पोचिंकी में ही 25-30 किल मार देंगे। तो फिर मैं गाड़ी उठा के सीधा पोचिंकी गया। भाई मेरे सारे टीममेट पोचिंकी में मरे, पर बॉट मारे बिना थोड़ा मरेंगे मेरे टीममेट। और देखो रिएक्शन देखो इनका, लगा इनमें से कोई एक बंदा हो गया तो बहुत निकला। देखा इनको बंदा लगा, बॉट बंदा लगा भाई, क्या बताया तुमको। अब हम तो मैं आया यहाँ पर स्क्वाड हाउस था खाली, बस नेट फट रहे थे पर खाली था, नेट फट रहे हैं और मेरा टीममेट चला गया बाहर मरने। देखो ये दिक्कत है भाई, यहाँ पे मेरा टीममेट को खत्म, पूरी स्क्वाड मेरी इधर खत्म होगी, मैं अकेला बाकी हूँ। और जान जाए तो जाए पर किल ना जाए, देख रहे हो। फिनिश देंगे, 1 HP में भी फिनिश देंगे पर देंगे। तो मैंने सोचा भाई अब हो गया है, किल आ चुका है, हेल्थ वेल्थ लगाते हैं जल्दी से, पट्टे उट्टे बांधते हैं है, बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाएगी नहीं तो। तो मैं जल्दी जल्दी पट्टे बांधने लग गया, हेल्थ किट भी नहीं, मुझे भी समझ रहे हो भाई। यहाँ पे होगा तुम्हारे भाई के 10 किल, बॉट एक 10 किल, 9 बंदे पोचिंग के में ही मारे हैं, 9 के 9 बंदे देख रहे हो। अभी तो और फाइट है, अभी रुको जरा, अभी जाओ नहीं, फाइट अभी हो रहा है। ये बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा पीक पुक ले रहा है। मेरे पास तो एकेएम थी, एकेएम से मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने लगाई एनर्जी ड्रिंक। फिर लगाई मैंने एनर्जी ड्रिंक और ये बंदा आ गया क्लोज और मेरे पे आ गई थी M4। मैंने सोचा इसको तो घुस के मारूंगा। निंजा टेक्निक देखो अब तुम्हारे भाई की, बंदे की फटके चार हो गई। अरे भाई ड्रॉप शॉट के सामने किसी की नहीं चलती, कभी कभी मैं भी मर जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी लेके निकला बंदे ढूंढने वापस से, हो चुके हैं तुम्हारे भाई के 11 किल। अब बंदे ढूंढना है, बंदे ढूंढ के मारना है। और मैं लेके जा ही रहा था कि कोचिंग साइड में आ गई आवाज बंदों की, भाई देख रहे हो कोचिंग की में ही फाइट चल रही है, कोचिंग की के बाहर फाइट है ही नहीं। तो मैं आ गया इधर कोचिंग की इस साइड में जो स्क्वाड हाउस है, आती में स्क्वाड हाउस पर रश मारा मैंने, बंदूक फुटस्टेप आ रही थी, मुझे लगा स्क्वाड हाउस में ही होंगे। अंदर घुसा इतनी देर में भाई ये जो बंदे हैं स्क्वाड हाउस से भाग के चले गए सामने वाले घर में। अब देखो तुम्हारे भाई की 1v3 देखो भाई, हो अरे भाई साहब मैंने इनकी ग्रेनेड से दुनिया हिला। एक जगह बैठा है इन्हीं की नेड आ रहा है। अभी देखो नॉक वाला अंदर गया, मैंने कहा ले बेटा फिनिश हो तू ग्रेनेड से ही मर, पर वो ग्रेनेड खाने से पहले ही तो बंदा आ गया मरने, खत्म 1v3 बैठे बैठे मजाक में 1v3। फिर मैं गाड़ी लेके घूम रहा था, मैंने सोचा यही रुकता हूँ, जोन है 8-7 बंदे हैं, कहीं कैंप कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ रुक गया। ढूंढ रहा हूँ बंदों को, ऐसे ढूंढ रहा हूँ जैसे कि बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो भाई यहाँ ढूंढते ढूंढते यार ये बंदा कूद रहा था पता नहीं क्यों। मैंने कहा कूद क्यों रहे हो, मैंने तो बूम दे दिया उसको भी देखना, कूद रहा था भाई मीटअप के लिए आया था शहर में। क्या सामने देखो टैंक, देखो टैंक है वो बिल्कुल सामने देख भाई, पता नहीं क्यों कूद रहा था। नॉक फिनिश देना पड़ा भाई, मुझे लगा कूद रहा है क्या कर रहा है समझ में नहीं आया, मैंने जल्दी से मार दिया इसको। मारने के बाद यार अभी यहाँ से भी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बंदे थे नहीं। फिर मैं थोड़ा रुका, मैंने सोचा नॉक हुआ है फिनिश करने के लिए, मारा है मैंने तो सब वहां से मुंह माया करके मैं सारी ट्राई कर रहा था और यहाँ आती मेरे को एकदम स्वागत हुआ गोलियों से, बस मैं रुक गया। अब मैंने फिर मारा पूरा लेफ्ट से रोटेशन, फुल लेफ्ट से रोटेशन मारते हुए आ गया मैं इधर सांपों की नगरी में। चार बंदे मैं अकेला, चिकन डिनर हाथ में, 15 किल थे, चिकन डिनर सामने था, बस चार बंदे बाकी थे।
एकदम स्ट्रेट माइंड से खेल रहा था ना, साफ बन के खेलूंगा पर चिकन लेके रहूंगा। कंटेंट चाहिए भाई, कंटेंट चाहिए, चिकन चाहिए, सॉरी कंटेंट नहीं चिकन चाहिए। तो भाई यहाँ पे फायर का साउंड आया तो मैं एकदम लेटे लेटे आगे गया, लेटे लेटे जा रहा था, वो रहा वो। मेरा भाई दिख गया तो मैंने उसको फिनिश दिया पहले। तो ये भी खत्म। गेमिंग वाले अब में बाकी थे 4 बंदे, नहीं 3 बंदे। भाई साहब ये मेरे पास ही लेटा हुआ था, इसको मारने के बाद मैं लूटने गया, देखो फिर क्या होता है। भाई टू दो तीन तो 1v4 होगा। ओ भाई इसको मारना है, बंदा वही था। चिकन और व्हाट, क्या बोलती पब्लिक, मजा आया ना? 19 किल। इसी बात पर लाइक दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ और शेयर करो। टाटा एंड बाय बाय।